नमस्कार दोस्तों, एटीएस गोविंदपुरम के फ्री ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजिंग पॉइंटर्स टू रिटर्न मोर वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, जो कि सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज में तैयार किया गया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन पॉइंटर्स की हेल्प से हम मोर देन वन वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए देखते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है जो कि सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज में तैयार किया गया है। यहाँ पर एक फंक्शन जो कि कैल्क, जिसका नाम है कैल्क यानी कि कैलकुलेट, इसमें चार आर्ग्यूमेंट पास किए गए, ए बी सी और डी। ठीक है, ए और बी नॉर्मल वेरिएबल है, सी और डी पॉइंटर वेरिएबल्स है। इसकी हेल्प से हम मोर देन वन वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया गया, इस मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया गया पी क्यू आर एस। पी और क्यू को पास किया गया कॉल एज ए कॉल बाई वैल्यू, और आर और एस को पास किया गया एज ए रेफरेंस। ठीक है, पी को एज ए वैल्यू, P और Q को एज ए वैल्यू, और R और S को एज ए रेफरेंस। ठीक है, यहां पर देखिए, A के अंदर वैल्यू आएगी P की यानी कि 20, B के अंदर वैल्यू आएगी Q की यानी कि 10, C और D में रेफरेंस आएंगे रिस्पेक्टिवली R और S के। यहां पर देखिए, हमने C के अंदर क्या किया, A प्लस बी, एस्ट्रिक सी में A प्लस बी किया, एस्ट्रिक डी में A माइनस बी किया। तो A प्लस बी का एडिशन जो कि C के अंदर जिसका रेफरेंस है उसमें स्टोर हो जाएगा यानी कि R में, और D के अंदर A माइनस बी यानी कि इसका सब्ट्रैक्शन स्टोर हो जाएगा जो कि S का रेफरेंस है। यानी कि हमारे पास जब हम फंक्शन के कॉल करने के बाद R और S की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो वहां पर 30 और 10 डिस्प्ले होगा जो कि P और Q का एडिशन है। डायरेक्टली हमने यहां से दो वैल्यूज को रिटर्न किया, C को और D को, जबकि हमने रिटर्न टाइप भी वर्ड लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू दो वैल्यूज को रिटर्न किया। आइए समझते हैं इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। जब हमने P, Q, R, S चार वेरिएबल डिक्लेयर किए तो P और Q को के अंदर वैल्यू आ गई 20 और 10। हमने फंक्शन कॉल किया P, Q, R, S। P और Q कॉल बाई वैल्यू की तरीके से, R और S कॉल बाई रेफरेंस की तरीके से पास किए गए। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा। A के अंदर वैल्यू आ जाएगी P की यानी कि 20, B के अंदर वैल्यू आ जाएगी Q की यानी कि 10, C और D के अंदर रेफरेंस आ जाएगा R का और S का। ये डायरेक्टली R और S को पॉइंट करेंगे। जब हम पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे एस्ट्रिक C इक्वल्स टू A प्लस B, तो इन दोनों का एडिशन C का में स्टोर हो जाएगा जो कि C रेफर कर रहा है R को, तो एड्रेस आउटपुट किस में स्टोर होगा, R में। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया D इक्वल्स टू A माइनस B, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो किस में स्टोर हो जाएगा, S में। ठीक है, तो देखिए ये आपका सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले स्टोर हो गया S के अंदर। तो जब हम R और S की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो 30 और 10 डिस्प्ले होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू मोर देन वन वैल्यूज को रिटर्न किया, जो कि सिर्फ कॉल बाई रेफरेंस या पॉइंटर्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो सकता है। हमारी पॉइंटर्स के ऊपर कुछ और वीडियोस भी हैं, देखने के लिए लॉगिन कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उस वीडियो को भी आपको तैयार करके भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।